हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी भर्ती की जानकारी लेकर। जी मैं कहना चाहूँगी कि ये एक भर्ती नहीं है, इसमें कई सारी भर्तियाँ निकली हैं, कई सारी पोस्ट हैं, कई सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इतनी सारी भर्तियाँ कहाँ निकाली गई हैं, किस स्टेट में निकाली गई हैं, किसके लिए निकाली गई हैं और क्या है इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है प्रोसेस, हम बात करते हैं इन भर्तियों के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भर्तियां निकाली गई हैं ये किस किस के लिए निकाली गई हैं। कंट्रोलर एग्जामिनेशन की भर्ती है, लाइब्रेरियन की भर्ती है, इतनी सारी भर्तियां आपने कहीं नहीं देखी होंगी। फाइनेंस ऑफिसर के लिए है इसमें नौकरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सीनियर स्टेनोग्राफर, हेड ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, कम क्लर्क, लैब अटेंडेंट, होस्टल अटेंडेंट, अकाउंट क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, लाइब्रेरियन, टेक्निकल ऑफिसर। तो इतनी सारी भर्तियां इसमें निकाली गई है, साथ ही रीजनल सेंटर के लिए भी इसमें भर्तियां निकाली गई हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कंप्यूटर असिस्टेंट, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लर्क कम DEO, सुपरिटेंडेंट और अलग से भी इसमें रीजनल सेंटर में भर्तियां निकाली गई। तो कई सारी भर्तियां हैं, मैं आपको बता दूं कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, तो ये बहुत सारी इसमें भर्तियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कहां निकाली गई ये भर्ती, क्या है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आखिर अप्लाई आपको कैसे करना है, कैसे मिलेगी आपको ये नौकरी, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो बात करते हैं इन भर्तियों के बारे में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में ये भर्तियाँ निकाली गई है, खानपुर कलान, सोनीपत, हरियाणा की तरफ से। तो ये भर्तियाँ जो निकाली गई है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकाली गई है, मतलब टीचिंग की नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है सारी। और 7 फरवरी 2019 है इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो 7 फरवरी 2019 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। तो मैं ये बता दूं कि इसमें जो सैलरी दी जा रही है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख रुपये से ऊपर की भी इसमें सैलरी है, 2 लाख रुपये से ऊपर की भी मंथली की इसमें सैलरी है। तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके आपको बारीकी से बताने लगी एक एक की सैलरी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो आप खुद भी देख सकते हैं कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी और किसके लिए इसमें कितनी पोस्ट है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इनको किस किस के लिए। जैसे कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन है तो मास्टर डिग्री चाहिए, एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन द UGC 7-point स्केल सिस्टम, एटलीस्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एज लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, लेक्चरर विद 8 years इन रीडर्स ग्रेड अलॉन्ग एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किस किस के लिए कितनी इसमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि असिस्टेंट की अगर बात करें, असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री चाहिए 45% मार्क्स के साथ, 5 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU कॉरपोरेशंस में। तो आप देख लीजिए इसमें कई सारी भर्ती हैं, सीनियर स्टेनोग्राफर, सबकी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन इसमें चाहिए, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि होस्टल अटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ 12वीं पास की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है। तो आप इसके लिए होस्टल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और लैब अटेंडेंट के लिए सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ, और हिंदी संस्कृत की आपको नॉलेज होनी चाहिए मैट्रिक स्टैंडर्ड तक। और देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग इसमें ज़रूरत है। लाइब्रेरियन के लिए क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए किसकी ज़रूरत है, लैब क्लर्क के लिए किस चीज़ की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो सारी ज़रूरत है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे देख सकते हैं ये वीडियो, तो इतनी जल्दी जल्दी स्क्रॉल हो रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको देखना है। पहले आप मेन चीज़ें जान लीजिए कि क्या कैसे देखना है। अप्लाई करने से पहले जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि कोई गलती ना हो अप्लाई करने में। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी खुद अटेस्ट करके 2 फोटो के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देनी है उस पते पर जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आपको सबमिट करना है। डेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि लास्ट डेट क्या है, 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है,
जो रिजर्व कैटेगरी हैं एससी बीसी ईसीएम पीडब्ल्यूडी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। वैसे जनरल कैटेगरी में 18 से 50 साल की उम्र तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो हरियाणा का डोमिसाइल आपको लगाना होगा, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा जो हरियाणा का जिनके पास डोमिसाइल। तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है ये, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी डिटेल। और मैं बता चुकी हूँ 18 से 50 साल की उम्र तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फ़ीस भी है इसमें, फ़ीस भी भरनी है आपको, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको भेजनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाकर, और अलग से एक फ़ोटो। द एप्लीकेशन मस्ट एनक्लोज एल सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स की फ़ोटोकॉपी पर। पूरी डिटेल पढ़ने के बाद ही आप इसे अप्लाई करें ताकि कोई गलती ना हो। इस तरह की भर्तियां बहुत ही कम निकलती हैं। सारे आपकी जो क्वालिफिकेशन हैं उनकी एसेंशियल कॉपीज़ लगाकर आप उसको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाइए, ड्यूली असाइंड आपकी साइन एप्लीकेशन होनी चाहिए, कोई गलती ना हो फॉर्म भरते वक्त। फॉर्म भी मैं आपको दे रही हूँ, इसी वीडियो में आपको फॉर्म मिल जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो है वो स्ट्रिक्टली चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब इंटरव्यू होगा आपका। तो ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है, ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको लगानी है फ़ोटो, और जो अमाउंट आपको देना है वो यहाँ लिखना है। डिमांड ड्राफ्ट जो भरना है आपको फेवर में लगाना है वो, रिसीव नंबर, डेट, नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर डालिए, कैंडिडेट्स का नाम लिखिए, सर्टिफिकेट कौन कौन से लगा रहे हैं, फादर नेम या हस्बैंड नेम अगर महिला है तो, शादीशुदा है तो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल हरियाणा का अगर है, और नहीं है तो नो लिखिए, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही से लिखिए, ईमेल आईडी, आधार, परमानेंट एड्रेस, पूरी डिटेल इसमें आपको भरनी है, पूरी डिटेल जो जो इसमें बताया पूछा गया है वो उसका कॉलम आपको भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेस और डेट लिखकर यहाँ, और सिग्नेचर करने हैं आपको यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ आपको भेज देना है। और ये वेबसाइट लिंक है जिस पर आपको बाकी की डिटेल मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है। डिटेल जानना चाहते हैं आगे की तो ये वेबसाइट लिंक आप देख सकते हैं, BPS वुमेन यूनिवर्सिटी की। ये मैं आपको वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और आपको भेज देना है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलान, सोनीपत, हरियाणा। तो ये है पूरा एड्रेस जहां पर आपको भेजना है ये डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी एप्लीकेशन फॉर्म लगाकर। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको दे दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन और फॉर्म भी आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भर्ती आपके काम की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है ये वीडियो, ये नौकरियाँ आपके लिए नहीं है, या आप किसी भी इसमें से नौकरियों के लिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी इसमें नौकरी होगी जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो, क्योंकि इसमें 12वीं पास के लिए भी नौकरियाँ हैं, फ्रेशर भर्ती भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है, और बहुत सारी भर्तियाँ हैं। तो काफ़ी सारी भर्तियाँ, इनमें से कोई तो होगी जो आपके लिए होगी, या आपके ग्रुप में कोई तो होगा जिसके लिए, जो इस नौकरी के लिए एलिजिबल होगा इनमें से किसी नौकरी के लिए। तो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं इस भर्ती के बारे में या अन्य किसी भर्ती के बारे में तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। हरियाणा में निकाली गई बेहतरीन भर्ती है ये, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष, 18 से 50 साल की उम्र तक जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी एज का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी खास कैटेगरी में हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी नौकरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बेहतरीन है, इसके लिए आप आज अभी इसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, 7 फरवरी का इंतज़ार मत कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसकी जानकारी पहुँच जाए और वो इसके लिए अप्लाई कर सकें, उनको ये नौकरी मिल जाए। कुछ पूछना चाहते हैं मैंने कहा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वेबसाइट लिंक मैंने आपको दे दिए हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की नौकरियों की जानकारी और अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी, पूरे भारत में निकलने वाले किसी भी तरह की भर्ती की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इस चैनल पर हर रोज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूरे भारत में निकलने वाली हर एक तरह की नौकरियों की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।